हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोफोर्ज शेयर के ऊपर। कोफोर्ज शेयर के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो इस स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहा है और फ्राइडे के सेशन में भी इस स्टॉक में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला था। तो आखिर इस स्टॉक में आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो चलिए अब बात करते हैं इस स्टॉक के मंथली चार्ट के ऊपर। अगर हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है जो स्टॉक ने 1000 के लेवल के नीचे से एक अच्छा रैली यहाँ पे हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिला। उसके बाद जो है 6000 के लेवल से इस स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला। वापस से जो है स्टॉक में हम लोगों को एक पुल बैक भी देखने को मिला और स्टॉक ने आपको ब्रेकआउट दिया यहाँ पे 4000 के लेवल के ऊपर। क्लियरली अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था, बट अगेन यहाँ पे जो है स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। अब जितने भी लोगों ने यहाँ पे आपको ट्रेड को इनिशिएट किया होगा, डेफिनेटली उनका एसएल जो है इस लो के नीचे होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो लो जो है वो आपको 3218 का है और 3210 का है, तो 3200 के लेवल के नीचे जो है उनका एसएल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक अच्छा स्पॉट था। ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिला, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ था। तो इसी वजह से जो है बहुत से लोगों ने आपको यहाँ पे डेफिनेटली बाय किया होगा और अगेन यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से ही हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। करंटली स्टॉक 3700 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे स्टॉक नीचे की साइड में 3200 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर इस स्टॉक में जो है और ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को 2500 और फिर 2000 की तरफ लेके जा सकता है। अब बात करें इस स्टॉक में ऊपर की साइड अपसाइड मोमेंटम कब होगा, तो स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम के लिए अब आपको वेट करना होगा जब स्टॉक जब तक अपने इस रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे भी आपको ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर जरूर क्लोज हुआ था, बट उसके बाद एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, वापस से इसी लेवल को टच किया और यहीं से हम लोगों को कंटिन्यूसली प्रीवियस 4 वीक से सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो ऊपर की साइड के लिए अभी आपको वेट करना होगा। वीकली चार्ट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वीकली चार्ट में क्लियरली आपको दिख रहा है 3200 के लेवल पे स्टॉक ने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया था और उसके बाद ही यहाँ पे आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, बट ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो इसी वजह से अभी के लिए आपको इस स्टॉक में वेट करना होगा। अगर 3200 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है, नहीं तो वापस से 3200 के लेवल पे जो है आपको एक यहाँ पे अच्छा पोजीशन ऐड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो अभी के लिए आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि इन बिटवीन में ट्रेड कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक जो है और ज़्यादा स्लाइड कर सकता है। एक बार अच्छे लेवल पे आ जाएगा फिर हम लोग इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।